मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक हो गई। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला सचिव छोटू उर्फ अवधेश तोमर पर हमला हुआ। हमलावर लोडेड कट्टा लेकर यात्रा में घुस गया। उसने दो बार ट्रिगर दबाया लेकिन दोनों बार फायर मिस हो गए। वहीं तीसरी बार कट्टा लोड करने लगा तो भीड़ ने पकड़ कर धुन दिया, लेकिन इतने में ही किसी ने उसे भीड़ से बाहर कर दिया। बाद में पता चला कि हमला करने वाला जीतू गुर्जर खुद भी कांग्रेस कार्यकर्ता है और गोला का मंदिर शराब ठेके पर काम करता है। उसका यूथ कांग्रेस नेता छोटू से कई बार झगड़ा हो चुका है। हमले में 20 मिनट पहले भी बरैठा टोल पर पहले कार निकालने पर दोनों में बहस हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर तक एंट्री कर सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो उप यात्राएं निकाली जा रही हैं। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड से भारत जोड़ो उप यात्रा लेकर चले थे। ग्वालियर से महाराजपुरा में यात्रा का स्वागत होना था। यहां से यह यात्रा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ग्वालियर कांग्रेस की थी। यात्रा का रूट तो अलग था लेकिन लक्ष्मणगढ़ के पास दशरथ सिंह गुर्जर के घर पर यात्रा के स्वागत की पूरी तैयारी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साहेब सिंह भी अपनी पूरी टीम के साथ यहां स्वागत करने के लिए खड़े थे। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए दबंग नेता और पार्षद पति बलवीर तोमर, उनका बेटा यूथ कांग्रेस के जिला सचिव छोटू उर्फ अवधेश तोमर भी यहां पहुंचे थे। जब यात्रा का स्वागत चल रहा था तभी बुलोरो से जीतू उतरा और छोटू को टारगेट कर कट्टे से दो मिस फायर किए। युवक कांग्रेस के जिला सचिव छोटू पर हमला करने वाले की पहचान जीतू गुर्जर निवासी मुरैना के रूप में हुई है। दशरथ सिंह के घर पर यात्रा का स्वागत हो रहा था। दशरथ रिश्ते में हमलावर के चाचा लगते हैं। जीतू शहर के गोला का मंदिर शराब ठेके पर बैठता है। यही इलाका छोटू तोमर का है। छोटू तोमर का उससे पुराना विवाद रहा है। ये भी पता लगा है कि कुछ दिन पहले छोटू उससे मारपीट कर चुका था। मंगलवार शाम जब छोटू कार्यक्रम में जा रहा था तो वहां जीतू भी आ रहा था। कार्यक्रम स्थल से 4 से 5 किलोमीटर पहले बैठा टोल पर कार पहले निकालने को लेकर छोटू और जीतू में बहस हुई। कांग्रेस नेता के साथ काफी लोग थे इसलिए वह फिर से उसे हड़का कर निकल गया। इस बार बेइज्जती उसके दिल पर लग गई। पीछे पीछे जीतू भी उसे कार्यक्रम में पहुंचा और हमला कर दिया। लोगों का कहना है कि शराब ठेके के कमीशन को लेकर भी दोनों में पुराना विवाद चल रहा है। हमले के बाद जीतू को किसने बचाकर निकाल दिया, पुलिस पड़ताल कर रही है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की चूक सामने आई है। यात्रा के सैकड़ों लोग थे, इसके बाद भी कांग्रेस नेता पर हमला हो गया, पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड की सीमा तक उन्हें पुलिस की पूरी सुरक्षा मिली लेकिन ग्वालियर आते ही सुरक्षा नहीं थी। सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया का कहना है कि ग्वालियर पुलिस को इस यात्रा के आने और उसके स्वागत के लिए इतनी भीड़ जुटाने की कोई सूचना नहीं दी गई थी, वरना वहां पुलिस होती और ऐसा कुछ नहीं होता। पानी शरबत पी रहे थे हम लोग, खड़े थे वहाँ। इतने में एक बुलेरो गाड़ी आई जिसमें से एक लड़का गाली देता हुआ उतरा। उसने सीधे कट्टा लेके और मेरी छाती पे रख के कट्टा फायर किया। घटना की रिपोर्ट हुई है फरियादी पक्ष की ओर से और 307 IPC में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र ही इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288506 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।